सोजत के समीपवर्ती गांव सहवाज में पंचायत कार्यालय के सामने पुराने चबूतरे को गिराकर नया चबूतरा बनाए जाने को लेकर जैन खुदाई की गई। इस खुदाई में शनिवार को एक प्राचीन जैन मूर्ति मिली जिस पर सन 1464 ईस्वी भी अंकित है, जो करीब 560 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। ग्रामीण बुजुर्गों ने बताया कि ये चबूतरा हमारे जन्म से पहले का बना हुआ है। सरपंच पेमाराम माली ने बताया कि वो मूर्ति जैन बंधुओं को दे दी गई, लेकिन इतनी प्राचीन मूर्ति क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी और पुरातत्व विभाग को इसकी जाँच करनी चाहिए। ये मूर्ति आखिर यहाँ कैसे आई? यहाँ पर पहले कोई जैन मंदिर था। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव का प्राचीन नाम धारा नगरी था और पहले मुगल शासकों ने कई मंदिर और मूर्तियां भी ध्वस्त हुए थे, ऐसा कहा जाता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मुगल शासकों के डर से कहीं ग्रामीणों ने ये मूर्ति चबूतरे के नीचे छिपाई होगी, इससे ये लगता है कि इसके नीचे खुदाई में और भी मूर्तियां निकल सकती हैं। जैन धर्मावलंबी सोजत रोड के सहवाज गांव पहुंचे और मूर्ति को वहीं गांव में फार्म हाउस पर ले जाकर अभिषेक को मूर्ति को व्यवस्थित रखा। संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। का नाम अर्जुन नाम है मेरा। अर्जुन भाई, इस चबूतरे की खुदाई की? हाँ सर। तब इसमें से जैन धर्म की मूर्ति निकली? हाँ सर। उसके बारे में? यह हमारी एक ग्राम पंचायत सहवाज है और यहाँ पर ग्राम पंचायत सहवाज के द्वारा ही इस बरगद के कम से कम 500-700 साल पुराना लग रहा है बरगद, इसके नीचे के निर्मित के लिए खोदा गया नींव। तो नींव के अंदर जब खोदा गया तो उसके अंदर एक मूर्ति निकली गई। जब मूर्ति को देखा गया तो उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि ये जैन धर्म के उनकी मूर्ति लगती है। तो हमने और भी लोगों को कहीं बताया और जैन धर्म के लोग भी आए यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि हमारे पुराने टाइम की ये है कोई जैन मूर्ति है। तो उन्होंने आके और भी उनके विस्तार से देख रहे और कुछ बताएंगे और वो भी।